सासाराम रेलवे स्टेशन के नजदीक धनपुरवा गुमटी के पास एक मालगाड़ी की बोगी पटरी से उतर गई। बताया जाता है कि ऑफलाइन में यह हादसा हुआ है, जबकि जान माल की कोई क्षति नहीं हुई है। वहीं ऑफलाइन में रेलवे ट्रैक पॉइंट वाले परिचालन वाले रेल ट्रैक में यह हादसा हुआ है। सूचना मिलते ही रेल के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। वहीं DRM पंकज सक्सेना ने बताया कि मालगाड़ी की एक बोगी पटरी से उतर गई है, बाकी बोगी को काट कर अलग कर दिया गया है और उसे रवाना कर दिया गया है। इस घटना से फिलहाल रेल परिचालन बाधित नहीं है, रेल प्रशासन जल्द ही स्थिति सामान्य करने में जुटी हुई है। धन्यवाद। हाँ, यहाँ एक ये जो गुच्छेड से गाड़ी निकल रही थी, इसमें यहाँ सासाराम गुच्छेड में आज लोडिंग हुआ था। लोडिंग के बाद जो गाड़ी भेजी जा रही थी यहाँ के डेस्टिनेशन है उसके लिए, यहाँ से निकालते वक्त एक यार्ड में एक डिरेलमेंट हुआ। एक वैगन का एक साइड की ट्रॉली के चार व्हील जो दो व्हील से होते हैं वो उतरे थे। इसे कैसे अप डाउन इसका रेलवे ने काफ़ी अच्छी प्लानिंग की है, और हमने जैसा आपको जानते ही होंगे कि सासाराम यार्ड की अभी कमीशनिंग भी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही की है। यार्ड इतना एफिशिएंट और इतना फ्लेक्सिबल बनाया गया रेलवे ने अपनी प्लानिंग के द्वारा कि यातायात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अप एंड डाउन गाड़ियाँ पूर्ववत चल रही हैं, प्लेटफॉर्म पर गाड़ियाँ रुक रही हैं और यात्रियों को किसी तरीके की असुविधा नहीं हो रही है इस डेवलपमेंट से। ये एक यार्ड डेवलपमेंट है जिसको कि अभी एक घंटे के अंदर क्लियर कर दिया जाएगा और गाड़ियों जो गुड शेड है उसमें भी गाड़ियों का प्लेसमेंट कल से चालू होगा।